आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो तरह की सरकारें होती हैं, एक होती है मोनार्कियल फॉर्म में, एक होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं, हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। एक ऐसी सरकार जिसमें हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पीपल को इक्वल कंसीडर किया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस। क्या कास्ट है, क्या जेंडर है, ये नहीं माना जाता, सबको इक्वल माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार की सरकार को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं? इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में हम वोटिंग करते हैं, सभी एडल्ट्स के पास राइट टू वोट होता है, और उसके बाद जो है लीडर्स चुने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट उससे पहले वहाँ की क्या हिस्ट्री है थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाया है, तो हम उसे पढ़ते हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका, वहाँ पे हर रेस के लोग रहते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट दोनों, मतलब काले लोग भी होते हैं, गोरे लोग भी होते हैं। जो ब्लैक होते हैं वो वहाँ के नेटिव माने जाते हैं, मतलब लोकल होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू वोट, मतलब दे वर, अभी तो ऐसा नहीं है, बट पहले उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। दे लिव्ड ऑन दी वर्स्ट अवेलेबल लैंड, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी जगह थी वहाँ पे उनको रहने के लिए रखा जाता था। दूसरी जगह वाइट लोग, यानी गोरे लोग, वो यहाँ पे सेटल होने आए थे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग थे, ब्लैक एंड वाइट, दोनों की क्या कंडीशन थी हमने पढ़ लिया, इनको वोट देना भी अलाउड नहीं था और बुरी लैंड पे रहते थे, और वाइट जो है वहाँ पे बाहर से आए थे। अब हम इसे नेक्स्ट पढ़ेंगे अपार्थिड क्या होता है। ठीक है, अपार्थिड क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रेस, यानी आपके कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और बुरा व्यवहार किया जाता है काले लोगों के साथ। ठीक है, काले लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, कौन करता है? वहाँ की वाइट गवर्नमेंट, जो सफ़ेद लोग हैं वहाँ पर सरकार, वो करती है। सो अपार्थिड क्या हुआ? इट रेफर्स टू द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स फॉलोड बाय द वाइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ऐसा होता था। फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, ये एक आप कह सकते हैं जैसे पार्टीज होती हैं, वो थी। तो इनके लीडर थे नेल्सन मंडेला। इन्होंने क्या किया, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे नेल्सन मंडेला, तो इस पूरी कांग्रेस ने क्या किया, स्ट्रगल किया अगेंस्ट अपार्थिड, कि ये जो सिस्टम है, जो भेदभाव होता है काले लोगों के साथ, इसको बंद किया जाए। नेल्सन मंडेला इसके लीडर थे, उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। देन दे सक्सीडेड इन 1994 में वो जीत गए, एंड द साउथ अफ्रीका क्या बना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक कंट्री साउथ अफ्रीका कैसे बना, थोड़ी सी हिस्ट्री हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन के बारे में। हमारा चैप्टर का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पहला की एलिमेंट है पार्टिसिपेशन, अगर पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए। अब आम लोग, आम जनता कैसे पार्टिसिपेट करती है? थ्रू वोटिंग। वोटिंग होती है इलेक्शंस में, और वोटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं। ये लीडर्स क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं हमारे बिहाफ पे, और जितनी भी जनता है उन सब के इंटरेस्ट को माइंड में रख के। ठीक है, दीज लीडर्स टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, राइट। अदरवाइज हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं सरकार में? बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड देन क्रिटिसाइजिंग इट। कोई चीज़ अगर गलत हो रही है उसके बारे में पूरी स्टडी करना और बाद में उसको क्रिटिसाइज करना, एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, स्ट्राइक्स कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स चला सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बताया है कि कई बार जब हम सरकार के फैसले से सहमत नहीं होते हैं, जनता सरकार के फैसले से सहमत नहीं होती है, गवर्नमेंट को अपने डिसीजन चेंज भी करने पड़ते हैं। Sometimes government had to change its decision because it is responsible to the people. लोगों के लिए जो है government responsible है। जैसे कि आपने सुना ही होगा 3 farm laws, काफ़ी ज़्यादा news में थे ये, अब तो बंद हो गई ये news, but farm laws थे, इसके लिए किसानों ने बहुत विद्रोह किया और end में उनको withdraw किया गया by मोदी government, right? अब आप अपने जो विचार हैं वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स हैं, टीवी हैं, ये सब प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इश्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। बट जितने भी सेक्शन हैं हमारी सोसाइटी के, हर एक सेक्शन ये करने में सक्षम नहीं है, राइट। अब हम पढ़ेंगे बाय सोशल मूवमेंट्स, या तो हम पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, जो भी सरकार काम कर रही है उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, या फिर हम कोई आंदोलन कर सकते हैं, कोई सामाजिक आंदोलन। इस तरह के आंदोलन करते क्या हैं, सरकार को चैलेंज करते हैं, सरकार के काम को चैलेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हंगर स्ट्राइक कर दी किसी कानून के अगेंस्ट, तो इससे क्या होगा, ये प्रूफ होता है, या फिर ये साबित अगर हम करने में सक्षम होते हैं कि वो कानून
इनइक्वालिटी बढ़ा रहा है या कोई गलत है वो कानून, तो सरकार उसे चेंज कर सकती है। तो इस तरह से हम सोशल मूवमेंट्स के थ्रू भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं सरकार के सामने, राइट। अब नेक्स्ट आता है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट होते क्या हैं। कोई भी फाइट या आर्ग्यूमेंट, उसे हम कह देते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स होते कब हैं? दे अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है, कोई आर्ग्यूमेंट या फाइट तब होती है जब अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के या अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, लोग वायलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं अपने जो मतभेद हैं उनको दूर करने के लिए, ठीक है। जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, मार कुटाई हो गई, तो वायलेंट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, उस एक पर्टिकुलर एरिया में फियर और टेंशन जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे सरकार आती है और उस झगड़े को रिजॉल्व करती है, ठीक है। अब रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स का एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि लड़ाई हो रही है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है रिवर्स का। अब रिवर्स का कॉन्फ्लिक्ट आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, वाटर डिस्प्यूट के नाम से फेमस है। अब ये होते क्यों है भाई? अगर नदी ओरिजिनेट किसी एक स्टेट में हो रही है और फ्लो किसी और स्टेट में कर रही है, तो रिवर्स का रिवर्स पे डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट होने का रीज़न क्या है? ऑरिजिनेटिंग इन वन स्टेट एंड फ्लोइंग थ्रू अनदर स्टेट। निकल यानी उद्गम स्थान किसी और राज्य में है और बह किसी और राज्य से रही है, यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। रीज़न क्या हो सकता है लड़ाई का? शेयरिंग ऑफ वाटर, पानी कौन कितना शेयर करेगा, ये रीज़न हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट, काफ़ी फेमस डिस्प्यूट है। कावेरी नदी के पानी को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, कौन से दो स्टेट्स में चल रहा है? कर्नाटका और तमिलनाडु में। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में कभी डिस्कशन करेंगे। सो फिलहाल हम पढ़ रहे थे कि सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती हैं, इसका भी हमने एग्जाम्पल दिया जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है? ये इंश्योर करना कि हर एक इंडिविजुअल को फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जा रहा है, राइट। सो इक्वालिटी क्या होता है? टू इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के हर एक इंसान को इक्वली जो है वो ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब जस्टिस क्या होता है? जस्टिस मतलब न्याय। जस्टिस का मतलब होता है ये फिगर आउट करना क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ फेयर है, क्या चीज़ रॉन्ग है, ठीक है। सो जस्टिस हेल्प्स अस फिगर आउट व्हाट इज़ फेयर, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, राइट। अब जो ये इक्वालिटी एंड जस्टिस हैं, ये दोनों इनसेपरेबल हैं, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब बताया है अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैन बाय लॉ। अनटचेबिलिटी जो है इसको बैन कर दिया गया है बाय लॉ, जिससे क्या हुआ है, लोगों में इक्वालिटी की भावना जो है वो विकसित हो रही है। नाउ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस भी बनाए हैं उन ग्रुप्स के लिए, हमारी सोसाइटी में उन ग्रुप्स के लिए जिनको अनइक्वल माना जाता है, जैसे गर्ल्स हैं उनको थोड़ा बॉयज़ से कम समझा जाता है, तो इसके लिए उनको फ्री वेवर दिया गया है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि की एलिमेंट्स क्या हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो हमने पढ़े। तो हमारे पास तीन जो हैं वो की एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, कौन कौन से हैं? पार्टिसिपेशन हमने पढ़ा, कैसे हमने पढ़ा, इसमें राइट टू वोट है, हम जो है हंगर स्ट्राइक्स कर सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, टीवी न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा इक्वालिटी और देन हमने पढ़ा जस्टिस। तो ये तीन की एलिमेंट्स हैं किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, राइट। सो आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो।